दिन में प्रचार और रात में शराब, ये नीति है भाजपा की। मोदी जी और योगी जी शराबबंदी पर तमाम ज्ञान भरी बातें हर रैली में कह रहे हैं दोस्तों, एक के बाद एक जुमला दे रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी भाजपा की प्रचार गाड़ी दारू यानी शराब से लदी हुई मिली है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार की गाड़ी जिस पर विधायक लिखा हुआ था, उसमें पुलिस को शराब की बोतलों का अंबार मिला है दोस्तों। चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता की किस प्रकार धज्जियां उड़ा रही है एक के बाद एक, इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, नैतिकता का राग अलापने वाली और खुद को दूध की धुली हुई बताने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बीजेपी की प्रचार गाड़ी से देसी दारू का कट्टा बरामद हुआ है। हरैया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह के भाई हैं कृष्ण कुमार सिंह, जो कि ब्लॉक प्रमुख भी बताए जा रहे हैं जैसा खबरें कहती हैं, उनके नाम पर ही स्कॉर्पियो गाड़ी है। अब इस स्कॉर्पियो से लगभग 15 पेटी देसी शराब की खेप जो है छावनी थाना पुलिस ने पकड़ी है। इस गाड़ी से और क्या क्या बरामद हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, जो वीडियो सामने आया है ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। जी, तो ये गाड़ी जिस पर विधायक लिखा हुआ था, इसमें शराब कितनी मात्रा में मिली है दोस्तों, बोनस में पुलिस ने और क्या क्या बरामद किया है गाड़ी से, और क्या क्या मिला है बरामद किया गया है, आपको उसकी जानकारी के लिए न्यूज 18 की खबर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक इस गाड़ी से लगभग 15 पेटी में बंटी बबली की 705 बोतल देशी शराब, 31 गमछा, 1000 गोल स्टिकर, 500 पीस चौको स्टिकर, हनुमान चालीसा 100, 97 कैलेंडर, 20 पीस भाजपा का झंडा जो है बरामद हुआ है। जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम लवकुश पांडे बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली है। चालाकी यहां देखिए कि इतनी भारी तादाद में अवैध काम चल रहा था, चुनाव के समय में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन किसी और से गाड़ी चलवाई जा रही थी ताकि खुद का नाम सामने ना आए, क्योंकि जैसा ये खबर कहती है कृष्ण कुमार सिंह गाड़ी में मौजूद नहीं थे जिनके नाम पर ये गाड़ी है। मतलब ये कहा जा सकता है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के समय में चाहे दिन में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई और विधायक हो, कोई भी फलाना विधायक हो, इन सभी ने मिलकर आदर्श आचार संहिता को ना मदारी का खेल समझ कर रख लिया है, मजाक बनाकर रख दिया है, बिल्कुल आए दिन इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तोड़ रहे रूल रेगुलेशन। विधानसभा चुनाव प्रत्याशी और नेताओं की गाड़ियों से खुलेआम शराब की बोतलें पकड़ी जा रही हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब में क्या बोलकर आए हैं जरा मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगी, जो मतलब इन सभी परिस्थिति से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है। हम आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। पंजाब में आकर ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट है। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में शराबबंदी पर लेक्चर देकर आए हैं, दूसरे नेताओं पर निशाना साधते नजर आए हैं। यहाँ तो इनके अपने नेताओं ने यूपी में शराब बांटने का कार्यक्रम फुल प्रूफ के साथ चालू रखा हुआ है, इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर अक्सर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है ना दोस्तों, 10 बार सोचना पड़ता है इनकी बातों पर भरोसा करे कि नहीं करे। मोदी जी कह रहे हैं शराबबंदी होगी, यहाँ भाजपा ही धड़ल्ले से शराब की बोतलें लेकर घूम रहे हैं, गाड़ी में कितनी खेप पकड़ी जा रही है वो भी समझिए आप, 15 पेटी देसी दारू। इसके बाद उदाहरण के तौर पर मेरे पास और भी कई सबूत है दोस्तों, निकल निकल कर सामने आया इन दिनों। तो आपको स्क्रीन पर विशाल सोनी नाम के यूजर का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं, जो क्या कुछ लिखता है अपने ट्वीट में पढ़कर बताते हैं। वो लिखता है, भाजपा के लोगों का इतना दिन खराब हो गया है कि प्रचार गाड़ी में शराब भरकर प्रचार कर रहे हैं, फिर भी जनता मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, भाजपा खत्म, कुछ भी कर लो भाजपा का सफाया तय है। इसके बाद इस शख्स ने जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, भाजपा से जुड़ा वीडियो है, किस तरीके से क्या कुछ मिला है गाड़ी से, आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो देखें।
जौलपुर ग्रामीण की प्रचार की गाड़ी के साथ ये देख सकते हैं आप बीजेपी के झंडे देखिए सर आपकी बेटियाँ ये देखिए आप ये देखिए आप सब कमल के झंडे के साथ। भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है और आपको बता दूं कि ये हाल सिर्फ और सिर्फ यूपी में नहीं है यानी उत्तर प्रदेश में ही नहीं है दोस्तों, बल्कि इससे भी बुरा हाल उत्तराखंड में है। जी हाँ, वहां से भी शराब से लदी गाड़ी का वीडियो सामने आया जिसमें भाजपा वालों पर जनता को शराब और पैसे बांटने का आरोप लगा है, वो भी चुनाव के समय में ये सब हो रहा है। आप सोच लीजिए कैसे संवैधानिक पार्टी है ये। वीडियो उत्तराखंड का उत्तराखंड के नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से है। ये वीडियो भी पहले आप देख लीजिए फिर हम आगे की बात करते हैं। गाड़ी खोल, दारू बांट रहे, पैसे बांट रहे, रात को दारू कुछ नहीं पीने के। बीजेपी दारू है, ये दारू रात को मीडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, भाजपा का कार्यकर्ता ये दारू है, ये लोग यहाँ बहुत खुश होते हैं। जनता बिकी क्या यार भैया, हम को मार रहे हैं, हम बिकाओ क्या। तो उत्तराखंड में और यूपी में भारतीय जनता पार्टी शराब बांटकर वोट जुटाने का लक्ष्य साध चुकी है। आदर्श आचार संहिता इनके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर कहा जाए तो केवल नाम मात्र है, बस दो तीन शब्द तो हैं, बाकी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और बात बात पर जुमलेबाजी करने वाली भाजपा चुनाव कैसे जीतना चाहती है वो यहां से तो समझाई जा सकता है। अब एक और बात सोचिए कि यूपी और उत्तराखंड में शराब बांटने से भी काम नहीं बना तो गृह मंत्री अमित शाह जी जो कि आजकल भाजपा के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर का प्रलोभन देकर देने का हथकंडा अपनाया है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, हो सकता है आपने देखा, एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, देखिए फिर आगे की बात। 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है, सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर अपने आपके घर पर आ जाए। भाजपा की सरकार बनाओ और मुफ्त का सिलेंडर घर ले जाओ, बेशक उसमें गैस 1,000 रुपए की हमें ही भरवानी पड़ेगी, लेकिन कम से कम खाली गैस सिलेंडर तो रहेगा ना। कहने के लिए कि भाजपा ने गैस सिलेंडर दिया है, अमित शाह जी यही कहना चाह रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता है दोस्तों कि भाजपा की रणनीति 2017 से लेकर 2022 तक आते आते इतनी कैसे बदल गई कि शराब पैसे बांट कर वोट मांगना पड़ रहा है और फिर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो गृह मंत्री शाह जी क्या कर रहे हैं। गृह मंत्री जी गैस सिलेंडर का लालच दे रहे महिलाओं को, इसको आप गिरी हुई घटिया ओछी हरकत के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इन सभी हरकतों के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है और यही भाजपा की नीति है।